नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां आरएसएम कॉलेज धामपुर की राष्ट्र सेवा योजना छात्रा इकाई के 7 दिवसीय शिविर का समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए उठे के साथ किया गया। स्वयं सेविकाओं द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकता में एकता, महिमा, सुहानी, तरन्नुम, प्रिंसी, प्रियंका द्वारा लघु नाटक प्रस्तुत किया गया। भक्ति गीत आरती ने प्रस्तुत किए। गुंजन, नेहा, सुहानी, महिमा, फहीन, अंजुम ने एक हास्य नाटक करके सभी का मन मोह लिया। मन संचलन महिमा तथा सुहानी द्वारा किया गया। अंजू ने अपने शिविर के अनुभव को बताया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुमेधा चौहान ने 7 दिवसीय विशेष शिविर की प्रतिदिन बार आख्या प्रस्तुत की, जिसमें कौशल विकास हेतु युवा के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम निकिता, द्वितीय स्मिता, तृतीय आशु, सिलाई कढ़ाई में तरन्नुम ने स्थान प्राप्त किया, वेस्ट का बेस्ट मैनेजमेंट में प्रथम महिमा, द्वितीय आरती, तृतीय सुहानी रही। शिविर में मोस्ट वॉलंटियर अवार्ड गुंजन शर्मा, बेस्ट लीडर नेहा और कल्पना रही, बेस्ट डेडिकेटेड अवार्ड आरती को दिया गया। शिविर की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ हुई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर वी के सिंह, राजेश चौहान, डॉक्टर रमाकांत, नौरंगाबाद के ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, सहायक कविता सिंह, भूपेंद्र आदि ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। डॉक्टर सुमेधा चौहान ने एक कविता के माध्यम से सभी स्वयं सेविकाओं को विदाई दी। इसके साथ ही सभी अतिथियों एवं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।